गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पीएम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट का, हम लोग पांचवा प्रोसेस देखते हैं हम लोग केश हार्डनिंग। जो केश हार्डनिंग जो होता है हमारा, ये क्या होता है कि आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस को, वो हमारा होगा सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग का मतलब होता है कि एक निश्चित गहराई तक क्या करना, मतलब स्टील के पार्ट्स को हार्ड करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग या सरफेस हीट ट्रीटमेंट। तो उसमें से पहले देखते हैं हम लोग केश हार्डनिंग को। देखिए केश हार्डनिंग में क्या होता है कि जैसा कि आपने पहला पढ़ा है कि लो कार्बन स्टील जो होता है हमारा, जिसमें लोहा के कार्बन की परसेंटेज होती है 0.15 से 0.25% तक होती है, और इसको हम लोग माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं लो कार्बन स्टील को। और इसमें ये क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसको हम हार्ड नहीं कर सकते, ठीक है, हार्ड में इसको टेम्पर नहीं कर सकता, तो बल्कि इसको हार्ड किया जा सकता है, बल्कि इसको केश हार्ड, ठीक है, इसको बल्कि हम लोग केश हार्ड कर सकते हैं। तो केश हार्ड करने का मतलब है पूरा उसको हार्ड नहीं करना, उसके एक निश्चित सरफेस की गहराई को हार्ड करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 3D है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा 3D है, तो इसमें क्या करना है कि एक निश्चित गहराई तक ही इसको हार्ड करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ये मोटाई होगी, तो एक निश्चित गहराई तक, मान लीजिए यहीं तक ऑब्जेक्ट को क्या करना, एक निश्चित गहराई तक उसको हार्ड करना, नीचे वाला मतलब यही ये पूरा हार्ड रहेगा, ठीक है, उसके नीचे वाला हार्ड नहीं रहेगा। मान लीजिए यहीं तक ये हार्ड किया हुआ है, या मान लीजिए यहीं तक हार्ड किया हुआ है, ठीक है, एक निश्चित गहराई तक हार्ड करने को बोलते हैं हम लोग सरफेस हार्डनिंग। और केश हार्डनिंग भी वही होता है कि जिसमें लोग केश हार्डनिंग पढ़ेंगे उसमें, तो केश हार्डनिंग में भी आपका वही है। तो सरफेस के ये सब जो पढ़ेंगे सरफेस हार्डनिंग है, सरफेस हार्डनिंग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं केश हार्डनिंग भी कहता है एक निश्चित गहराई तक क्या करते हैं हम लोग किसी मेटल या फिर किसी स्टील में एक निश्चित गहराई तक उसको मोटाई करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं केश हार्डनिंग के बारे में। देखिए लो कार्बन स्टील, जैसा कि आपको पता होगा कि 0.15 से 0.25 कार्बन जो हमारा होता है लो कार्बन होता है, जिसको माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं, इसको हार्ड नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको केस हार्ड कर सकते हैं, आपको धातु वाला चैप्टर में पढ़ाए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, परंतु माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस से घिसने से बचाने के लिए एक प्रकार की क्रिया की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग। ठीक है, केस हार्डनिंग मतलब उसके बाहरी सरफेस को हम लोग हार्ड कर देते हैं, केस हार्ड करते हैं, ताकि वो क्या हो, घिसाव से बच सके आराम से। जैसे कि हम लोग जैनिक कैलिपर देखते हैं, तो वहाँ पर क्या पड़ता है, वो उसका जो सरफेस हार्ड केस हार्डनिंग क्या रहता है उसका, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है, और अंदर का भाग जो होता है उसका, अंदर का जो भाग रहेगा वो क्या रहेगा, मुलायम ही रहेगा, ठीक है, मुलायम और टफ ही रहता है, बाहर का भाग हार्ड और टेम्पर हो जाता है और टफ ही रहता है अंदर का भाग, जिसके पार्ट्स को झटके सहन कंपन आसानी से सहन कर सकते हैं। अंदर का मुलायम अगर तो आराम से कर सकता है, और मुख्यतः केस हार्डनिंग निम्नलिखित विधियों से की जाती है, तो इसमें पहला आपका होता है कार्बोराइजिंग, ठीक है, कार्बोराइजिंग होता है आपका, कार्बोराइजिंग हो गया, उसके बाद फिर इसी में आता है आपका नाइट्राइडिंग होता है, साइनाइडिंग होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बोराइजिंग को, पहले देखेंगे को कार्बोराइजिंग। तो यह जो क्रिया केश हार्डनिंग की विधि है, जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई पे कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है, और स्टील पर कार्बोराइजिंग जो होता है प्रणाली की विधि में, कार्बोराइजिंग का मतलब होता है कि लो कार्बन स्टील या स्टील जिसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है, उस पर सतह पर क्या करना, कार्बन को घुसाना, कार्बन को पेनिट्रेट करवाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग भी बहुत की जाती है, कार्बोराइजिंग करने का भी प्रोसेस दिया हुआ है। तो इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग पैक कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग क्या होता है कि पैक कार्बोराइजिंग में लोग क्या करते हैं कि इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को साफ करने के बाद उसको कास्ट आयरन के बॉक्स में, एक रेक्टेंगुलर कास्ट आयरन का बॉक्स होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे लकड़ी का कोयला लेते हैं, हड्डी का पाउडर या झुलसे हुए चमड़े आदि को, जिसमें कार्बनयुक्त पदार्थ हो, उसको क्या करते हैं हम लोग कैल्शियम या बेरियम या सोडियम के कार्बोनेट के मिश्रण के साथ उसको मिलाकर उसको पैक कर देते हैं उस कास्ट आयरन के बॉक्स में, और बॉक्स को मिट्टी के साथ भरकर एयर टाइट कर देते हैं, और उसे फिर एक भट्टी में 900 से 950 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान देते हैं, या तापमान केस की गहराई के अनुसार, जितना हमें केस की गहराई को रखना पड़ता है उसके अनुसार कई घंटों तक रखा जाता है। इसके बाद पार्ट्स को बॉक्स में ही ठंडा होने दिया जाता है जिससे कि कार्बन की पार्ट सतह पर क्या होती है, कार्बन पार्ट्स की सतह पर क्या हो जाती है, जम जाती है। और साधारणतः इस विधि से हमें क्या होती है, एक से दो मिलीमीटर तक केस की गहराई में कार्बन जमती है, 1 से 2 मिलीमीटर तक, समझ रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, 1 से 2 मिमी तक केस की गहराई में कार्बन जमाई जाती है। यदि स्टील में 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 घंटे तक, अगर 9 डिग्री टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंट कर दें
और 5 घंटे तक लगातार तापमान दिया जाए तो केस की जो गहराई हमें प्राप्त होगी वो 1 मिमी बनती है, 1 मिमी, ठीक है। और समय और तापमान के अनुसार केस की गहराई का तालिका यहाँ पे दिया गया कि कितना देर हम रखेंगे कार्बोराइजिंग प्रोसेस में, पैक करवाजिंग में, जो हमारा केस कितना प्राप्त होगा। जैसे कि देख रहेंगे केस की गहराई मिमी में दिया हुआ है और ये समय है, ठीक है, और ये टेम्परेचर दिया हुआ, ये 900 टेम्परेचर पे इतना घंटा ये दिया हुआ, ये टेम्परेचर ये सारा घंटा है, ये भी टेम्परेचर ये घंटा। देखिए अगर पॉइंट, देखिए 0.4 mm अगर लेना है, 900 टेम्परेचर देंगे तो 3 घंटा तक रखना होगा, 950 पे देंगे तो 2.5 घंटा देना होगा, 960 पे देंगे तो 2 घंटा देना होगा, ठीक है। ये सारा टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमको 3 mm गहराई चाहिए तो उसके लिए हमको 900 डिग्री टेम्परेचर पर 18 घंटा देता रखना होगा। अगर 14 घंटा देना है तो 950 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर 11.5 घंटा लगाना है तो 960 डिग्री टेम्परेचर पर। भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न समय में हमें भिन्न भिन्न केस की गहराई प्राप्त होती है, उसी का एक टेबल दिया गया है समय और तापमान के अनुसार फेस केस की गहराई का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए पैक कार्बोराइजिंग के बाद आता है हमारा दूसरा प्रोसेस होता है गैस कार्बोराइजिंग, ठीक है। कार्बोराइजिंग में ही पैक कार्बोराइजिंग पड़े, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गैस कार्बोराइजिंग। गैस कार्बोराइजिंग क्या होता है कि हम आपको बता दें कि गैस कार्बोराइजिंग जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, गैस के द्वारा गर्म करते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैस के द्वारा गर्म करते हैं, और गैस गर्म करने के लिए हम लोग जो हमारा जो प्रोपेन ब्यूटेन या मीथेन गैस हम लोग प्रयोग में करते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्या होती है, सबसे आसान व सस्ती होती है गैस वाली, ठीक है। पैक कार्बोराइजिंग और अभी जो पढ़ेंगे गैस के बाद लिक्विड कार्बोराइजिंग, उससे भी क्या होती है हमारी सस्ती होती है, ठीक है। और इसके द्वारा हीटिंग ज़्यादा समानता तेजी से होती है, समानता तेजी से। और टीयर प्रक्रिया में क्या होती है, केस की मोटाई को आसानी से हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं गैस वाला में, ठीक है। तो इसलिए सस्ती होती है और सबसे अच्छी होती है। और इस विधि में लोग कार्बन शील के पार्ट्स को क्या करते हैं, गैस कार्बोराइजिंग फर्नेस पर कार्बनयुक्त गैसों के साथ, कार्बनयुक्त गैसों के साथ क्रिटिकल रेंज में उसको गर्म करते हैं, जिससे कि गैस के कार्बन के पार्ट की सतह पर क्या होती है, जम जाती है। और साधारणतः इस विधि से क्या होती है, 1 मिमी केस की गहराई हार्ट के लिए पार्ट्स को कार्बनयुक्त गैसों के साथ इतना टेम्परेचर तक रखा जाता है। इसमें क्या होता है 870 से 950 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे तब 1 मिमी जो हमारा होगा केस की गहराई हार्ट प्राप्त होगी, और ये तापमान 6 घंटे तक रखा जाता है। तो ये हमारा गैस क्लोराइजिंग, तो ये आसान होती है सबसे, ठीक है, गैस क्लोराइजिंग। और उसके बाद देखिए गैस कार्बोराइजिंग के बाद होता है हमारा लिक्विड कार्बोराइजिंग, ठीक है। लिक्विड कार्बोराइजिंग मतलब इसमें क्या होता है कि आजकल जो होता है द्रव कार्बोराइजिंग, मतलब द्रव लिक्विड कार्बोराइजिंग के लिए सब सोडियम साइनाइड या अन्य प्रकार के सॉल्ट का बात का प्रयोग में लाई जाती है, और सोडियम साइनाइड या सॉल्ट के बात में गर्म करके फिलाया जाता है, लो कार्बोनेशन के पार्ट्स को उसमें डालकर कार्बोराइजिंग की जाती है। तो देखिए लिक्विड कार्बोराइजिंग होती है, यह प्रक्रिया जो होती है ना पैक कार्बोराइजिंग से सस्ती होती है, ठीक है। पैक कार्बोराइजिंग की तुलना में अगर हम बात करें तो यह सस्ती होती है, और उससे पैक से सस्ती होती है, सबसे सस्ती होती है तो गैस होती है, ठीक है। तो इस विधि से भी हम लोग कर सकते हैं, इसके लिक्विड कार्बोराइजिंग के द्वारा भी हम लोग केस हार्ट को कर सकते हैं। अब ये कार्बोराइजिंग करने के बाद क्या होता है कि उसमें हम लोग ये करते हैं, कार्बोराइजिंग करने के बाद वहाँ से हमें देखिए कार्बोराइजिंग करने के बाद भी क्या होता है, हार्ट कैसे करते हैं कि पार्ट्स पर कार्बोराइजिंग करने के बाद केस को हार्ड करने के लिए पहले उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोराइजिंग को उसमें कर दिए, कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाए, ठीक है। हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस से जो हम लोग किए अभी क्या किए, जो भी हम यहाँ पे किए नया कार्बोराइजिंग किए या पैक कार्बोराइजिंग किए, लिक्विड कार्बोराइजिंग किए या गैस कार्बोराइजिंग किए, तो यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य था कि लो कार्बन स्टील में क्या किए, कार्बन की परसेंटेज को इंक्रीज किए, इंक्रीज करने के बाद हम उसको हार्ड कर सकते हैं। तो देखिए कार्बोराइजिंग करने के बाद उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाए, अब हार्ड कैसे करेंगे, दो पार्ट्स पर क्या होता है कार्बोराइजिंग करने के लिए, केस हार्ड करने के पहले उन्हें क्या करते हैं हम लोग 860 से 870 डिग्री तक गर्म करके उसे नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग मतलब उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको दूर करते हैं, और उसके बाद पार्ट्स को फिर क्या करते हैं, इतना टेम्परेचर 760 से 780 डिग्री तक गर्म करके उसको फिर हम लोग पानी प्राइन या तेल में ठंडा किया जाता है। इस प्रकार पार्ट्स की सतह हमारा हार्ड हो जाती है, तो ये होता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, इसी में को वाला हम लोग पढ़ लिए कार्बोराइजिंग, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइनाइडिंग, ठीक है। साइनाइडिंग क्या होता है कि साइनाइडिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, देखिए खो नंबर है साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग पढ़ लिए अब साइनाइडिंग पढ़ते हैं। देखिए साइनाइडिंग क्या होता है, यह किसी लो कार्बन स्टील के पार्ट्स की सरफेस को बहुत अधिक हार्ड बनाना हो और उसमें अधिक झटके सहन करने के गुण की आवश्यकता ना हो तो साइनाइडिंग विधि से केस हार्ड की जाती है, ठीक है। मतलब कि आपको ज़्यादा इसमें अधिक हार्ड भी नहीं बनाना और उसमें अधिक झटका कंपन सहने के गुण भी नहीं लाना हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, तब हम साइनाइडिंग विधि से करना रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है, ये की जाती है। और इस विधि में पार्ट्स को क्या करते हैं हम लोग, साइनाइड तथा साइनाइड बाद में क्या करते हैं हम लोग, गर्म कर जाता है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि साइनाइड द्वारा क्या करते हैं, उसमें साइनाइड की मात्रा को उसमें एंट्री करवाते हैं, उसमें पेंट्रोट करवाते हैं, ठीक है।
उसके सतह पर, जिससे हमारा क्या होगा, हार्ड होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जिसमें 1/3 भाग सोडियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं, 1/3 भाग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, 1/3 भाग सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, और इस मिश्रण को लगभग 800 से 850 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान गर्म किया जाता है। और पार्ट्स को गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसमें लोग पानी या ब्राइन या तेल में उसको ठंडा किया जाता है। साधारणतः इस विधि में पार्ट्स को जो है लोग बाद में जो हमारा एक बाथ लेंगे, जिसमें हमारा ये सारा इसमें लिक्विड को डालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक गर्म किया जाए तो केस की जो गहराई होगी वो हमें 0.125 मिमी हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, 0.125 मिमी हो जाएगी। इस विधि से केस हार्डनिंग करते हैं, इसमें पार्ट्स की फिनिशिंग बनी रहती है और वो टेढ़े मेढ़े नहीं होती। मतलब सनाइडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, इसमें मेन रूप से हम लोग सनाइड को उसमें किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ पर सनाइडिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें क्या होती है कि ज़्यादा अधिक हार्ड करने की जरूरत ना हो सरफेस हार्डनिंग, और उसमें अधिक झटका सहन करने के गुण की आवश्यकता ना हो, तो उसे हम लोग सनाइडिंग विधि से उसके केस हार्डनिंग को कर सकते हैं। ये भी केस हार्डनिंग का प्रोसेस है, निश्चित गहराई तक ही हम लोग हार्ड कर सकते हैं उस पार्ट्स को, तो ये सनाइडिंग होती है। अब देखिए सनाइडिंग के बाद चलते हैं हम लोग नाइट्राइडिंग। लेकिन नाइट्राइडिंग क्या होती है कि ये नाइट्राइडिंग में क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन की उस पर सतह पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पिलाकर उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को घुसाकर उसमें क्या करते हैं, सतह को हार्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइडिंग। तो ये इस विधि में क्या करता है, एलॉय स्टील के पार्ट्स की सतह को हार्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये विधि एलॉय स्टील, एलॉय जिसमें हमारा टंगस्टन हो, ठीक है, जो जिसमें हमारा एलॉय एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, ये सब जो हमारा एलॉयिंग एलिमेंट होता है, या मैग्नीशियम हो, क्रोमियम हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइडिंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाइट्राइडिंग। अब देखिए नाइट्राइडिंग के लिए की जाती है, मतलब एलॉय के लिए की जाती है, एलॉय एलिमेंट के लिए की जाती है, एलॉय स्टील के लिए की जाती है। और इस विधि में पार्ट्स को क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया गैस के साथ नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं, अमोनिया गैस के साथ 500 से 550 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान देकर गर्म किया जाता है, और पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। और इससे जो अमोनिया की नाइट्रोजन क्या होती है, अमोनिया की नाइट्रोजन टूटती है और नाइट्रोजन पार्ट्स की सतह को हार्ड कर देती है। समानता पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ 50 घंटे तक गर्म करके उसकी सतह को 0.4 मिमी तक गहराई में हार्ड किया जा सकता है। तो नाइट्राइडिंग के द्वारा क्या किया, मैंने उसमें अमोनिया गैस के साथ अमोनिया गैस के साथ NH3, और उसके बाद क्या होता है, उससे हमारा नाइट्रोजन निकलता है और नाइट्रोजन टूटता है गर्म करने के बाद, और नाइट्रोजन क्या होता है उसके सतह पर जम जाता है, और उसके द्वारा क्या होता है हमारा सरफेस हार्डनिंग प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हम लोग नाइट्राइडिंग किसके लिए करते हैं, तो एलॉय स्टील के लिए करते हैं, एलॉय स्टील के लिए, याद रखिएगा एलॉय स्टील के लिए नाइट्राइडिंग करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। अब देखिए वहाँ पर केस हार्डनिंग का ये समाप्त हुआ, केस हार्डनिंग इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, अब हमारा केस हार्डनिंग हो गया, अब हम लोग फ्लेम हार्डनिंग पढ़ते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग भी क्या है, हमारा एक सरफेस हार्डनिंग ही है, जिससे हमारा केस हार्डनिंग था एक सरफेस हार्डनिंग, एक सरफेस को हार्ड करना एक निश्चित गहराई तक। तो हमारा केस हार्डनिंग पढ़ लिया, अब तो चलते हैं हम लोग फ्लेम हार्डनिंग। क्योंकि फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है कि इस विधि में हम लोग पार्ट्स को ऑक्सीएथिलीन टॉर्च के द्वारा, मतलब ऑक्सीएथिलीन टॉर्च को देखे होंगे कि आपने जब गैस वेल्डिंग किया होगा तो वहाँ पे देखिए उनको टॉर्च लगाता है ऑक्सीएथिलीन, जिसके द्वारा क्या होता है लोग गैस का निकलता है पाइप के द्वारा उसके, ठीक है, टिप के द्वारा, और वो हार्ड करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लोग ऑक्सीएथिलीन टॉर्च के द्वारा क्या करते हैं हम लोग को गर्म किया जाता है, और साथ साथ में हम लोग पानी का फवारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। यह क्रिया हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के पार्ट्स को हार्ड करने के लिए की जाती है, और इस विधि से निम्नलिखित लाभ होते हैं, तो उसको बोलते हैं लोग फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग से क्या होता है कि पार्ट्स को भट्टी की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी गर्म किया जा सकता है, और पार्ट्स पर आवश्यकता अनुसार लंबाई और गहराई की हार्डनिंग की जा सकती है, और ऐसे बड़े बड़े पार्ट जिनको भट्टी में गर्म करने में सुविधा होती है उनको आसानी से गर्म करके हार्ड किया जा सकता है फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम लोग ये इसको आराम से कर सकते हैं। मतलब ये समझ में आया कि फ्लेम हार्डनिंग द्वारा क्या होता है ना, ये इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अधिक मोटाई का केस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, सरफेस को हार्ड कर सकते हैं। चूंकि एक टॉर्च के द्वारा, मतलब ऑक्सीएथिलीन टॉर्च के द्वारा हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पे देगा और निश्चित गहराई तक उसको हम हार्ड कर सकते हैं, अधिक मोटाई तक इस विधि द्वारा हम हार्ड कर सकते हैं, और किसी भी लंबाई चौड़ाई के पार्ट्स को कम कीमत में हार्ड किया जा सकता है, ठीक है। और इसको आसानी से बिना अधिक तैयारी के प्रयोग में किया जा सकता है, और ये पार्ट्स को किसी भी विशेष भाग को हार्ड करने के लिए विधि सर्वोत्तम है, ठीक है। किसी भी पार्ट्स के, किसी भी ऐसा इंटरनल पार्ट्स, या मान लीजिए कि ऐसा भी
कुछ आएगा जहाँ पे हार्ट करना संभव नहीं हो, तो यहाँ पे टॉर्च एसिलेटिन द्वारा हम आराम से कर सकते हैं। विधि सबसे सर्वोत्तम होती है और फ्लेम हार्डनिंग द्वारा पार्ट को सरफेस प्रिंटिंग करने के पश्चात कठोरता प्रदान की जाती है। और इस प्रक्रिया द्वारा हार्ड करने में बहुत क्या करता है, कम समय लगता है। और इस विधि में ऐसे वस्तुओं को भी किए सारे किया सकता है जिनकी भट्टी में गर्म करना संभव नहीं होता। टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, बड़ा भी होगा, तो उसको हम भट्टी में नहीं कर सकते, लेकिन इस विधि से हम कर सकते हैं। लंबा थोड़ा ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लेम हार्डनिंग द्वारा हार्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग था। तो फ्लेम हार्डनिंग का हमारा सबसे सर्वोत्तम ये होता है हार्ड करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जब जहाँ पे चाहे हमको हार्ड करना वहाँ जाके हम हार्ड कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के द्वारा इसको हम लोग ये करते हैं, तो जहाँ पाइप जाएंगे वहाँ हार्ड कर सकते हैं निश्चित। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग में देखेंगे क्या होगा। तो इंडक्शन हार्डनिंग देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग इंडक्शन का क्वाइल, मतलब इंडक्शन क्वाइल को उस ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, उस मेटल पर क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, उस लपेट देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी द्वारा मतलब उसमें करंट फ्लो करके उसको गर्म करते हैं। तो इस विधि में इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लगभग 200 साइकिल करंट का एक पावर एक कॉपर इंडक्शन ब्लॉक से प्रवाहित किया जाता है और इस ब्लॉक को पार्ट्स के हार्ड करने में सतह के पास रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है कि पार्ट्स की सतह पर इस ब्लॉक से स्पर्श ना करें, ठीक है, मतलब उसको दूर ही रखा जाता है, मतलब उसके चारों साइड लपेटते हैं लेकिन उसको टच नहीं करें। और एलॉय स्टील को हार्डनिंग करने के लिए तापमान इतना से इतना रखा जाता है और 0.5 कार्बन वाले स्टील के लिए तापमान जो होता है लगभग 750 से 760 तक रखा जाता है। और इसके बाद पार्ट्स को क्या करते हैं लोग, गर्म किए स्थान को पानी के फुहारों द्वारा ठंडा कर दिया जाता है। और इस विधि से सांद्रता क्या होती है, 5 सेकेंड में 3 मिमी तक पार्ट्स की गहराई हार्ड की जा सकती है। इस विधि के द्वारा प्रायः कैम सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट, एक्सिल सॉफ्ट की बेयरिंग सतहों को हार्ड किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग के निम्नलिखित लाभ होती है, इसमें देख लेते हैं इसमें मेन क्या है। इसमें ये देखना है कि इंडक्शन से में क्या क्या लाभ होता है। बहुत उत्पादन के लिए ये विधि कम खर्चीली होती है, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए ये विधि बहुत कम खर्चीली होती है। और पार्ट्स की बाहरी सतह को हार्ड करते समय उसके भीतरी भाग पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी विधियों के अपेक्षा इसमें कम समय लगता है और पार्ट्स टेढ़े-मेढ़े नहीं होते। देखिए इंडक्शन विधि में ये हमारा मेन फाव ये हो गया कि इस प्रक्रिया में सबसे कम समय लगता है, ठीक है, सबसे कम समय लगता है कि इसको हम लोग ये हमारा मान लीजिए कोई ये सिलिंड्रिकल मान लीजिए हमारा स्टील है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्वाइल को ही हम लोग बांध देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वाइल को इसमें लपेट देते हैं, ठीक है, और जल्दी ये हार्ड हो जाता है, कम समय लगता है। इसके द्वारा बाहरी अंदरूनी सतह को भी हम हार्ड कर सकते हैं, ठीक है, बाहर वाला भाग को भी अंदर वाला सतह से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है। और इस प्रक्रिया में इसमें यह समझ रहा है कि बाहर से भी आप हार्ड कर सकते हैं और अंदर से भी हार्ड कर सकते हैं, इसकी ये खासियत ये होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सरफेस फिनिशिंग खराब नहीं होती है और क्वाइल का आकार परिवर्तन करके हार्ड किए जाने वाले भाग का आकार सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल कर देंगे, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लगा देंगे, ठीक है, क्वाइल तो वो हम कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का चुनाव करके हार्ड जो है केस की मोटाई को कंट्रोल किया जा सकता है कि कितना फ्रीक्वेंसी का करंट देंगे कितना हमारा हार्ड होगा, ये हम कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को आसानी से स्वचालित बना सकता है। इसके लिए प्रयोग होने वाला उपकरण की लागत बहुत अधिक है और इसमें मास प्रोडक्शन के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकती है, ठीक है, इसका हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पंप शॉर्ट, कैम सॉफ्ट आदि सब केस का हार्ड जा सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम मास प्रोडक्शन के लिए ही करते हैं, जहाँ पे ये हमारा कैम सॉफ्ट वगैरह कंपनी वगैरह में जहाँ पर बनती है तो वो हमारा वो कम क्या करती है, इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करती है, ठीक है। ये मास इसको ये यहाँ पे एक मान लिया रखना तो मास प्रोडक्शन के लिए जो हमारा जो केस हार्डनिंग की जाती है तो वो कौन सा होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये था सरफेस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ लिए, केस हार्डनिंग हम लोग कई तरीके से करते हैं। केस हार्डनिंग हम लोग तीन तरीके से करते हैं। कार्बोराइजिंग हो गया, कार्बोराइजिंग भी हम लोग 3 तरीके से करते हैं, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग, और उसके बाद नाइट्राइडिंग, उसके बाद साइनाइडिंग, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े, फ्लेम हार्डनिंग, उसके बाद इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में ये सब, ठीक है। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का सेशन पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इससे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।